चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं, प्रार्थना है। आज बहुत अच्छा शुभ अवसर है, एक साल हो गया है पैडी सलोन को। मेरे लिए तो ये मेरा घर है, तो मैं तो घर आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि और बहुत सारे ब्रांचेस हो पैडीज के। और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से ये बंदा ऊपर आया है और मैं उसको बहुत सारी बेस्ट विशेज देना चाहूँगा और दुआएं करता हूँ कि और भी सारे ब्रांचेस हो इस मुंबई शहर में पैडीज के। बहुत बहुत बधाई हो पैडीज को एक साल कंप्लीट करने के लिए। ये हमारा हम लोग की जो इंडस्ट्री है और हमारी फील्ड है, हम लोग हमेशा सारे बहुत सारे बाल लेके भागते भागते आते हैं पैडीज के पास। प्रदीप को बोलते हैं, यार प्रदीप बचा ले हमें। और कभी ऐसा वक्त ऐसे नहीं हुआ कि प्रदीप ने बोला कि नहीं सर अभी आज नहीं आ सकते। हमारे भाई की तरह है और काफ़ी समय से जानते हैं इसको और जिस तरीके से मेहनत करता है, जिस तरीके की लगन है उसकी, जिस तरीके की क्षमता है, मुझे लगता है बहुत आगे जाएगा। बहुत सारे ब्रांचेस हम इसे विश करते हैं कि अगले साल बहुत सारे ब्रांचेस हों। अगले साल क्यों, ये साल की। और बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस। शुभकामनाएं देना चाहेंगे प्रदीप जी को। सबसे पहले हमारे पैडी जी को धन्यवाद कि इनको पूरा एक साल हो चुका है तो इनके एनिवर्सरी सलून की। और बहुत ही अच्छे बंदे हैं और बहुत ही पोलाइट है। आई प्रदीप जी, आप बीच में आ जाइए। थैंक्स। और जैसा कि सलीम सुलेमान जी आए थे जो कि बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने भी आके रिबिन का रिबिन सेरेमनी की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद प्रदीप जी को। ऐसे ही चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जैसे सलीम सुलेमान जी ने कहा कि इनके और ब्रांचेज हो, तो हम भी कोशिश करेंगे कि मुंबई में भी हो, मुंबई के बाहर भी हो और हिंदुस्तान के बाहर भी हो। बहुत बहुत मुबारक। बदल के रंग रूप को बदलने वाले पैडी जी को बहुत बहुत बधाई। एक साल हुआ है अभी और आगे सीरीज ऑफ सैलून्स, सीरीज ऑफ पार्लर्स बने इनके, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ उनको। और ये सेलिब्रिटी चेहरा बदलने वाले लोग हैं और हर एक को सेलिब्रिटी बनाए, हर एक को ये अपनी सेवाएं दे सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके चेन ऑफ सैलून्स होनी चाहिए, यही शुभेच्छा है। दूसरे सैलून से काफ़ी कुछ अलग है, मैंने काफ़ी चेंजेस रखा हूँ, जिस तरह से एकदम मेरा सर्विसेज अलग है, मेरे स्टाफ के एवरेज एक्सपीरियंस वाले लोग और वेल बिहेव वाले लोग, क्लाइंट को हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छे से उनका देखभाल करते हैं, जो भी उनका चीज़ नीडफुल है उनको हम लोग प्यार से अच्छे से बिहेव करते हैं। चेंजेस तो ये है कि मैं हमेशा ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ नया चेंजेस देने का, हर साल में कुछ ना कुछ तो नया देना ज़रूरी होता है कि क्लाइंट लोग का डिमांड भी होता है कुछ नया स्टाइल दे, नया लुक दे इस तरीके से। और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि उसका चेहरा कैसा है, उसको क्या लुक चाहिए, उसका प्रोफेशन क्या है, वो किस तरह से डील करेगा, अगर वो कैरी कर पाएगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ देखते हुए मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करके फिर उस चीज़ को मैं कैरी ऑन करके वो सामने वाले को बंदे को लुक देता हूँ।
और ये हर साल जब आएगा नया नया कुछ ना कुछ आएगा, उस तरीके से मैंने नया साल में कुछ ना कुछ नया नया चीज़ देते रहूँगा क्लाइंट लोग के लिए। अच्छा,